वेलकम वैखावतीन उधर हसन निसार साहब, अवाम दो दिन छुट्टी करें, बाकी दिनों में लोड शेडिंग, मतलब बाल बच्चों को खाना वाना कहां से खिलाएं, भूखे मर जाएं, इनको मार के फांसी लगे, क्या करें, खुदकुशी कर लें, कहां जाएं? देखें, अगर खुदकुशी करते हैं तो ये जमहूरी खुदकुशी होगी, अगर ये मारते हैं तो ये जमहूरी मारपीट होगी। जैसे मुल्क में जमहूरी अंधेरा छाया हुआ है, वो किसी ने लिखा था बड़ा खूबसूरत कि आज सारे चिराग गुल कर दो, आज अंधेरा बड़ा मुकद्दस है। ये मुकद्दस अंधेरा है क्योंकि ये जमहूरी अंधेरा है। ये महंगाई भी बहुत मुकद्दस है क्योंकि ये जमहूरी महंगाई है। बदमनी क्राइम भी बड़ा डेमोक्रेटिक क्राइम है। ये सब तोहफे आपके दिए हुए हैं ना, और आवाम के समय हैरान हूं कि इतने अली दिमाग लोग बैठे हैं और ये आवाम के हक में डंडी मार रहे हैं। ये मतलब जो फसल बीजी थी इन्होंने वो काट रहे हैं लोग। मेरा अगर यकीन करें, मैं तो अब इस स्टेज पे आ गया हूं कि इनको इतना स्क्वीज कर देना चाहिए। इतने ढीठ हैं हम लोग, हम बाज नहीं आते। तीन तीन चार चार दफा आजमाए हुए लोगों को पता नहीं, हमें डसवाने का शौक है। वो कहते पूर्णमासी की रात को जो डस जाए ना किसी को सांप, तो फिर वो हर पूर्णमासी की रात को इंतजार करता है वो दोबारा आए और डसे। ये मैंने दिए हैं तोहफे, ये आप लोगों का कारनामा, ये आपके प्यारे अवाम का है जिनके आप हक में कुर्ते और दलीलें देते हैं, ये इनकी कमाई है। अब अवाम को अगर बगैर सिरिंज के इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है, और ऐसी हुकूमत भुगतनी पड़ रही है जो नमाज की अदायगी के बाद अजान देने पे यकीन रखती है, तो यू दे आस्क फॉर इट। ये मैंने नहीं गिफ्ट किया, मैंने इनकी कैंपेन नहीं चलाई और ये किसी ने इम्पोज नहीं किए। ये अमेरिका शामिल है उसमें, इंग्लैंड शामिल है उसमें, कोई शामिल शुमिल नहीं है। ये 18 करोड़ 17 करोड़ कठपुतलियां हैं, ये लल्लू पंजू है। वोट आपने दिया है, वो शामिल वो है। अंग्रेज ने साजिश की है, मुट्ठी भर अंग्रेज है। नवाज सिराज उद्दौला नाला एक आदमी था, ये उनको हर बार बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ है? तो हम ही लोग थे मारने वाले, टीपू के कातिल वो नहीं है। ये पूरी तारीख इन्होंने मस की हुई है, ये मुनासिब नहीं है। कोई शामिल शुमिल नहीं है, हम ही शामिल है सारा। ये जो कंधों पे इनको उठा के फिरते हैं, आवई आवे और जावई जावे और फलाना डमकाना, ये कौन करता है? जूस आके जुलूस निकालते हैं यहाँ। नहीं लेकिन हसन निसार साहब, तब्दीली नहीं आई अब देखिए ना, वो बात नहीं सुन रहे इनकी अवाम उठे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे। यानी बहुत अच्छी बात है, यानी पहले तो सुर्ख कालीन लेके खुश, अब वो मुझे तो लगता है कि वो कोई किसी दिन वो किसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो बुश को जूता पड़ा था, यहाँ पड़ने वाला जूता 8-10 लोगों को। वो माशाल्लाह ठीक है, आप एक जूते की बात करते हैं, 8-10 साल जूते खा के बाद नहीं आते। होते नहीं वाटर प्रूफ घड़ी है, ये फ्लां प्रूफ है, ये फायर प्रूफ, ये गैर प्रूफ किस्म की एक लॉट है पूरी की पूरी। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, वो ये देखे बैठे होते हैं थाना सर्वर रोड ठंडे फर्श पे। नहीं लेकिन ये तो फिर सीबी बनती है ना कि हमने जमहूरियत के लिए 11 साल जूते खाए। ये तो फिर सुने, लोगों का विश्वास नहीं, ये इस पे चीखना शुरू कर दिया इन्होंने 2.5 साल के अंदर। अभी तो इनके साथ हुआ ही कुछ नहीं, एक ट्रेलर चल रहा है, फिल्म तो चल रही है अभी। आप जून जुलाई देखें, और अगर जैसे पहले इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी थी इसकी पेट्रोल की, दोबारा हो गया $100 से ऊपर देखें आप। अभी तो इनके साथ होना है, ये लाने वाले हैं। नहीं उनको कोई मसला नहीं है ना, वो बच्चे बाहर है, पैसा बाहर है, सब कुछ जो बाकी वो कह रहे 20% रह गई है, बाकी तो जाना है, वो 20% भी दो चार फेरों में ले जाएंगे बाहर। कॉमन नॉलेज है कि इनका सब कुछ बाहर है। वो फिर अगर इनको लेके आते हैं तो उनको दे शुड बी पनिश्ड वेरी सिवियरली। ये मेरी और आपकी तकरीरें सुन के लिख के उंगलियां घिस गई हैं, ये इनको अकल नहीं आती। ये तसव्वुर हो सकता है? देखे बात सुने, एक मजदूर की नुमाइंदगी असेंबली में एक सनतकार कर रहा हो, ये डज इट मेक एनी सेंस? एक किसान की, काश्तकार की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा हो। हसन निसार साहब, ये बेनजीर भुट्टो कत्ल को आपने देखा होगा, ये क्या तमाशा हुआ है उसके बाद? मैं सच्ची बात आपको बताऊं, अगर मुझे आप तीनों हजरात और बाकी सारी कौम भी अगर माफ कर दे, मैं जान की अमान पाके मैं अर्ज करूं, मेरे नजर ये इश्यू नहीं है। अच्छा कातिल पकड़े भी गए, फिर क्या तोप चल जाएगी जी, पेट भर जाएगा लोगों का? ये तो अजीब तमाशबीन किस्म के लोग हैं, ये शुएब और
उसकी क्या नाम सानिया की शादी पे ये जुमे जंज के नाल नाच रहे हैं, ये इनको पता नहीं है तो जो शकूरा बेरोजगार हो गया है उसके नतीजे में उसकी समीना ने खुदकुशी कर ली है, तीन बच्चे भी वो साथ ले गई है, इकबाल के तीन शाहीन भी चले गए, इश्यूज तो और हैं। हसन इसार साहब तब्दीली नजर आ रही है आपको सड़कों पर, जो लोग निकले हैं और बात नहीं मान रहे, ये पहले तो बताइए क्या ये अच्छा है माशरे के लिए? ये तो सिविल नाफरमानी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, देखें सदर कोर्ट्स को नहीं मान रहा, कोर्ट्स पार्लियामेंट को कह रहे नहीं मान रही, वो उनको नहीं मान रहे, वो उनको नहीं, यानी ये क्या अनार्की है सिविल की, क्या है सिविल नाफरमानी? डॉक्टर साहब अनार्की तो फैली हुई है, अब ये इसने कंक्लूड होना है, ये सफर शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं तूड़ी समझते हैं आप, तूड़ी डॉक्टर साहब तूड़ी की पंड खुल गई है और आंधी चल रही है, अब तूड़ी समेटे हैं आप। आप कह रहे हैं कौमी हुकूमत, ये कौमी हुकूमत है बगैर कौम के, जैसे वापडा है बगैर बिजली के, मईशत है बगैर इंडस्ट्री के, थाना है बगैर अमन अमान के, ये ऐसी कौमी हुकूमत है बगैर कौम के। कितने फख्र से कहा जा रहा है कि गरीब खुदा बख्श दिलों पर राज करता है, तो बात तो ठीक कह रहे हैं, वो कब्रस्तान जिंदा लोगों पर हुकूमत करता है, जिन पे करता है दे आर टू बी ब्लेम, दे हैव टू सफर, दे हैव टू पे द प्राइस। आप मेरे कितने प्यारे दोस्त हैं हारून साहब, आप दोनों हाथ में हाथ डाल के मीनारे पाकिस्तान से छनांग मारेंगे तो आपका क्या ख्याल है मुझे कितनी कमदर्दी होगी आपके साथ? अगर मन के भी टूट गए हैं तो ठीक टूटे, इन्होंने बड़े तमाम से छलांग लगाई है, किसी सफेद पोश को, किसी मिडिल क्लास के बंदे को, किसी पढ़े लिखे बंदे को, किसी गैर चमचे को, इकतदार में उसकी आमद का कोई तस्वुर कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, चोर चक्के अंदाजा लगाए जाली डिग्री तोहीन अमेज बात है, पूरी कौम के मुंह पे थप्पड़ है, उसको आप मुशीर भर्ती कर लेते हैं, और जो जाली डिग्री लेके जिसने नकब लगाई है इस मुल्क के सबसे मुकद्दस तरीन ईवान में उसको आपने मुशीर रख लिया, वो किस किस्म के मशवरे देगा? ये तो जो इस तरह के मामलात आते हैं तो उसके बाद देखें लोगों की मत मारी गई है, 18 करोड़ आवाम का टॉर्चर सेल बना दिया गया है ये मुल्क, लोग एबनॉर्मल हो गए हैं, साई हो गए हैं, कभी गौर करें सड़क पे खड़े होके आपको बेशुमार लोग नजर आएंगे, पहले कभी कभार नजर आया करता था जो अपने आप से बातें करने लगे हैं लोग, क्या बर्बादी मच रही है यहाँ, वो जिधर हाथ लगाओ वो गला हुआ होता है सारा कुछ। हसन साहब जिदर... बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह इन आपसे बात होती रहेगी। हारूशी साहब, आप खरी साहब, ये अगर एनआरकी है तो फिर रियासत किस तरह जा रही है? एक वक्त के बाद खवातीन दोबारा।